वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी। भारतीय जनता पार्टी में संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जयप्रेश राठौर पहुंचे हैं शाहजहांपुर में। अपनी पत्नी के साथ में उन्होंने पहला वोट डाला है और वोट डालने के बाद में निकले हैं। आइए उनसे जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव में क्या कुछ समीकरण है और इस बार शाहजहांपुर की लोकसभा सीट पर क्या समीकरण देखने को मिल रहे हैं। शाहजहांपुर में कोई समीकरण ही नहीं, शाहजहांपुर का चुनाव एक तरफा है और भाजपा प्रत्याशी अरुण सागर जी बहुत बड़े अंतर के साथ जीतने जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी प्रत्याशी की जमानत जब्त होना तय। एक बार फिर दो शहजादों की जोड़ी मैदान में है, कन्नौज और कानपुर में। अभी उन्होंने हाल ही में जो एक संयुक्त रैली की है तो वो बता रहे 3 चरणों में इंडी गठबंधन बहुत आगे है और भाजपा कहीं नज़र नहीं आ रही। ये दो शहजादों की जोड़ी चौराहे पर खड़ी है, इनको अपनी मंजिल का एहसास नहीं, इनको पता नहीं कि कहाँ जाएँ और ये पूरी तरीके से विचलित हैं। और मुझे लगता है कि दो शहजादों ने अपना तय कर लिया लक्ष्य, एक शहजादा इटली जाएगा, दूसरा शहजादा लंदन जाएगा और मुझे लगता है कि जनता से पूरी तरीके से लोग कट चुके हैं। शाहजहांपुर में हाल ही में अभी जो समीकरण है देखने को मिल रहे हैं, सपा के प्रत्याशी और भाजपा के प्रत्याशी में सीधा चुनाव नजर आ रहा है, तो कहाँ देखते हैं कि किस तरीके की जीत देखते हैं शाहजहांपुर में? कहाँ है मुझे तो लगता नहीं, जब समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी दर्शन ही नहीं हो रहे हैं। मैंने तो बहुत से लोगों से पूछा भाई समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी दर्शन हुए, तो किसी ने मुझे अभी नहीं बताया। आपको अगर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कहीं प्रचार करते दिखे हों तो आप अपनी मीडिया में जरूर दिखाइए, मुझे तो कहीं वो प्रत्याशी दिखी नहीं। और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कार्यकर्ता एक एक बूथ पर लड़ रहे हैं, एक एक जगह जा रहे हैं और जनता के बीच में अपनी बातों को कह रहे हैं। और इस चुनाव में मोदी मुद्दा है, मोदी जी के काम मुद्दा है। मोदी जी ने जिस तरीके से ऐतिहासिक फैसले इस देश में किए, मोदी जी ने इतने बड़े बड़े काम किए, उसके आधार पर जनता पूरी तरीके से मोदी जी के साथ है। इस बार 400 पार के साथ भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई। मतदान परसेंटेज को लेकर के क्या कहेंगे, जिस तरीके से मतदान का परसेंटेज कम रह रहा है और मतदान का परसेंटेज नहीं बढ़ पा रहा है, 3 चरणों का चुनाव हो गया, 4th चरण में यहाँ शाहजहांपुर में जो चुनाव है वो उसके प्रक्रिया जारी है, उसको लेकर क्या? देखिए मतदान प्रतिशत जब ज़्यादा होता है तो ये माना जाता है कि ये जनता का आक्रोश है और जनता परिवर्तन चाहती है। मतदान प्रतिशत अगर ज़्यादा नहीं है तो ये मीडिया का ही मतलब सोच लीजिए कि ये हमारे ही पक्ष की बात है, यानी कि जनता इसी सरकार से खुश है और इस सरकार को फिर से कंटिन्यू रखना चाहती है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने, बूथ समिति के सदस्य, हमारे पन्ना प्रमुखों ने मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी के जितने समर्थक कार्यकर्ता हैं उनका एक एक वोट डलवाना हमने सुनिश्चित किया है पिछले 3 चरणों में, और इस चरण में भी भारतीय जनता पार्टी का एक एक समर्थक वोट डालेगा, बूथ तक पहुँचेगा। विपक्ष के लोगों में कोई उत्साह नहीं है, वो बूथ तक जा ही नहीं रहे, इसके कारण ये वोटिंग परसेंटेज डाउन रहा है। वोटिंग परसेंटेज पर भी खुलकर के बात की है और उन्होंने बताया है कि किस बात को लेकर के यहाँ लोकसभा चुनाव जो है शाहजहांपुर में भी जिस तरीके से देखने को मिल रहा है तो बड़ी जीत होने वाली है और फिर से मोदी सरकार बनने वाली है। 400 पार की जो दावे हैं, जो वादे हैं वो चरितार्थ होने वाले हैं। तो हमारे साथ बात कर रहे थे जेपीएस राठौर जी शाहजहांपुर से, TV9 भाजपा के लिए अरविंद त्रिपाठी। वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी।